Hello guys, how are you? So today we will start section 3 in the Bazaars of Hyderabad. So this is a very famous poem written by Sarojini Naidu, and this poem published in 1912, yani 1912 mein ye poem published hui thi. And this poem is from a poem collection, The Bird of Time. Sarojini Naidu ka ek poem collection published hua tha, The Bird of Time, aur usme ye poem bhi thi, In the Bazaars of Hyderabad. सो इसमें फाइव स्टैंजाज हैं और दीज फाइव स्टैंजाज आर सेपरेटेड इनटू सिक्स लाइंस, सेट ऑफ सिक्स लाइंस. तो हर स्टैंजाज के अंदर सिक्स लाइंस हैं और टोटल फाइव स्टैंजाज हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये पोइम है, ये हैदराबाद के मार्केट के बारे में है, यानी हैदराबाद के मार्केट में क्या क्या चीज़ जो रिच चीज़ें सेल होती हैं, तो उनके बारे में है ये. और ये हैदराबाद की सोशल लाइफ भी बताता है. So this poem details social life in the city of Hyderabad. Hyderabad ki jo social life hai uske bare mein batata hai, where Naidu was from, jahan se Naidu belong karti thi. The lines are structured as conversation between vendors and their prospective buyers in bazaar. To ye jo poem hai, iski jo lines hain, ye is bazaar ke andar aane wale customer aur jo vendors hain, jo seller hain, unke beech ki conversation hai, aur puri poem isi conversation ke andar hai. और हर जो स्टैंजा शुरू होगा वो एक क्वेश्चन से शुरू होगा. जो कस्टमर है वो सेलर से पूछ रहा है, यानी जो बायर है वो सेलर से पूछ रहा है, और उसका रिप्लाई सेलर पॉइंट के अंदर कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू सेल ओ योर मर्चेंट्स, रिसली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड. तो यहाँ पे जो कस्टमर है, जो बायर है, वो सेलर से पूछ रहा है कि व्हाट डू यू सेल, कि तुम क्या सेल कर रहे हो. मर्चेंट ओ योर मर्चेंट्स, यानी सेलर, रिसली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड. तो तुम्हारी जो वेयर्स हैं, वेयर्स होता है जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सामान वो बेच रहा है. तो वो कह रहा है कि रिचली मीन्स होता है काफ़ी गॉर्जियस, स्प्लेंडेड या मैग्निफिशेंट, काफ़ी शानदार. तो यहाँ पे बायर है वो सेलर से पूछ रहा है कि तुम्हारा जो सामान है, तुम्हारी जो गुड्स हैं, वो काफ़ी शानदार लग रही हैं, तो क्या सेल कर रहे हो तुम. ये जो तुमने डिस्प्ले किया हुआ है, यानी जो तुमने बेचने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं. टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. तो यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है जो सेलर है, वो रिप्लाई कर रहा है कि टर्बन्स, जो पगड़ियाँ होती हैं, ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर. क्रिम्सन होता है जो डार्क रेड कलर होता है, डीप रेड कलर होता है, उसे क्रिम्सन कहते हैं. तो यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है जो सेलर है, वो कह रहा है कि मैं पगड़ियाँ बेच रहा हूँ, गहरे लाल रंग की और सिल्वर कलर की, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. ट्यूनिक्स होता है एक लूज गारमेंट होता है, जो कि टिपिकली स्लीवलेस होता है, यानी ज़्यादातर वो स्लीवलेस ही होता है. एंड पर्पल हो गया, जो बैंगनी कलर होता है. और जो ब्रोकेड होते हैं, वो काफ़ी एक रिच फैब्रिक होता है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर की जो है कढ़ाई की होती है. तो इस तरीके का एक फैब्रिक होता है. आप ये ट्यूनिक्स होता है, इसके अंदर रेड, गोल्ड और सिल्वर की जो कढ़ाई की हुई होती है, ज़्यादातर ये स्लीवलेस ही होता है. तो वो कह रहा है कि मैं पगड़ियाँ बेच रहा हूँ, टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, यानी गहरे लाल रंग की और सिल्वर कलर की टर्बन्स है मेरे पास, और ट्यूनिक्स है मेरे पास, यानी जो स्लीवलेस गारमेंट है, ऑफ पर्पल ब्रोकेड, यानी बैंगनी रंग का, एक गोल्ड और सिल्वर की उस पर कढ़ाई की हुई है. मिरर्स विद पैनल्स ऑफ अंबर. और मेरे पास ऐसे मिरर्स हैं जिनके पैनल्स हैं, यानी जिनके जो फ्रेम्स हैं, वो अंबर के बने हुए हैं. अंबर्स होता है एक काइंड ऑफ एक ऑर्नामेंट बनते हैं, जिससे ये हार्ड येलो ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस होता है, जो कि ज्वेलरी वगैरह जिससे बनाई जाती है. सो ये अंबर्स होता है, इससे ये एक स्टोन होता है, जो एक नेचुरल होता है, जो पेड़ों से निकलता है. और उससे इस टाइप से ये कह रहे हैं मिरर की जो पैनल्स हैं, यानी जो फ्रेम्स हैं, वो इससे बनाए गए हैं. सो मिरर विद पैनल ऑफ अंबर. तो अंबर है, उससे इसके फ्रेम बनाए गए हैं मिरर्स के. डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड. और मेरे पास ऐसे डैगर्स हैं, डैगर्स होते हैं जो नाइफ होते हैं, काफ़ी रॉयल नाइफ होते हैं वो. डैगर्स विद हैंडल ऑफ जेड. तो जेड होता है, वो होता है ए हार्ड टिपिकल ग्रीन यूज फॉर ऑर्नामेंट्स. एक ग्रीन कलर का कुछ स्टोन वगैरह होता है, जिससे ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती हैं. तो उससे उसकी जो हत्था है वो उसका है.
तो ये आप देख सकते हैं ये डैगर्स हैं विद हैंडल ऑफ जेड, डैगर्स विद हैंडल ऑफ जेड। व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स। तो ये फर्स्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर वो जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो सेलर से पूछ रहा है कि ओ सेलर तुम क्या बेच रहे हो, तुम्हारी ये जो डिस्प्ले है, तुमने जो मार्केट में बेचने के लिए चीज़ें लगाई हैं ये काफ़ी शानदार लग रही हैं। तो उसमें सेलर रिप्लाई कर रहा है कि वो पगड़ियाँ बेच रहा है गहरे लाल रंग की और सिल्वर कलर की, और वो ट्यूनिक्स बेच रहा है यानी एक लूज गारमेंट है, स्लीवलेस गारमेंट वो बेच रहा है, वो पर्पल कलर का है और उस पर गोल्ड और सिल्वर की कढ़ाई की हुई है। मिरर्स वो बेच रहा है जिसके पैनल्स हैं, जिसके जो फ्रेम्स हैं वो अंबर के बने हुए हैं। अंबर हमने अभी देखा था, अंबर से एक पेड़ से निकलता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे मिरर्स के पैनल भी बनाए जाते हैं और भी कई चीज़ें ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाई जाती हैं। फिर वो कह रहा है कि वो डैगर्स बेच रहा है जिसके हैंडल हैं वो जेड के हैं। जेड एक स्टोन वगैरह होता है जिससे जो नाइफ हैं, डैगर्स मीन्स नाइफ, उसके हैंडल वगैरह बनाए हुए हैं। ये हमने अभी देखा था, ये डैगर है विद ए हैंडल ऑफ जेड, इसका जो हैंडल है ग्रीन कलर का वो जेड से बना हुआ है। सो नेक्स्ट स्टैंजा करते हैं हम। व्हाट डू यू वे ओएम वेंडर्स। तो अब जो कस्टमर है वो वेंडर से पूछ रहा है यानी सेलर से पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वे, कि क्या तुम क्या तोल रहे हो। वे मीन्स होता है तोलना। सेफ्रॉन एंड लेंथिन एंड राइस। तो वो कह रहे हैं सेफ्रॉन यानी मैं केसर है वो तोल रहा हूँ, एंड लेंटिन तोल रहा हूँ। लेंटिन होता है एक मसूर की दाल होती है, जो पल्स होती है एक मसूर की दाल को कहते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं केसर है मेरे पास, और मेरे पास मसूर की दाल है, और मेरे पास राइस हैं, चावल हैं। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स। मेडन्स होते हैं वो जो एक यंग वूमन या अनमेरिड गर्ल होती है जो वहाँ पे सेल कर रही है ये चीज़ें, सेफ्रॉन, पल्स और राइस। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू ग्राइंड, तुम क्या पीस रहे हो। ग्राइंड करना होता है पीसना, क्रश करना या मैश करना। तो जैसे चक्की पे पीसा जाता है तो वो धान कूट रही हैं कुछ, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम। तो वो रिप्लाई कर रही हैं उसका, सैंडलवुड, हना एंड स्पाइस। तो वो कह रही हैं हम सैंडलवुड यानी चंदन है उसको पीस रहे हैं, हना जो मेहंदी होती है उसको पीस रहे हैं, और स्पाइसेस हैं जो मसाले हैं उसको हम पीस रहे हैं। तो ये केसर होता है, सेफ्रॉन, और ये चंदन के पेड़ हैं, इस तरीके से होता है, और उसमें से ये इस तरीके से लकड़ी निकलती है जो चंदन की लकड़ी होती है, सैंडलवुड। सो सैंडलवुड चंदन की लकड़ी इन पेड़ों से, चंदन के पेड़ों से निकलती है। एंड स्पाइसेस। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, चेसमैन एंड आयुर्वेदाइज। तो वो कह रहे हैं और तुम क्या सेल कर रहे हो, वो पेडलर से कहते हैं कि तुम क्या सेल कर रहे हो। चेसमैन एंड आयुर्वेदाइज। तो वो कह रहे हैं हम जो चेस के यानी जो शतरंज में खेले जाते हैं वो जो मोहरे होते हैं वो बना रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, और आइवरी डाइस यानी जो लूडो वगैरह खेलते हैं तो डाइस बनती हैं, हम आइवरी की यानी हाथी दांत की जो डाइस हैं वो बेच रहे हैं। तो ये चेसमैन है जो शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, उसमें जो मोहरे होते हैं उन्हें चेसमैन कहते हैं, और जो डाइस हैं आइवरी डाइस यानी हाथी दांत की जो डाइस बनी हुई होती है जो लूडो वगैरह खेलते हैं, तो ये हाथी दांत से बनी हुई डाइस है। सो सेकेंड स्टैंजा है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसको देखते हैं हम। व्हाट डू यू वे ओ वेंडर्स। तो जो कस्टमर है वो सेलर से पूछ रहा है कि तुम क्या वेट कर रहे हो, क्या तोल रहे हो तुम। तो वो बता रहे हैं कि वो हम सेलर है वो कह रहा है कि हम सेफ्रॉन एंड लेंटिन एंड राइस सेल कर रहे हैं, यानी हम केसर और जो मसूर की दाल है वो और चावल हैं वो सेल कर रहे हैं। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स। तो वो मेडन से पूछ रहे हैं कि तुम, जो बच्चियाँ हैं छोटी, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या ग्राइंड कर रही हो यानी क्या पीस रही हो। तो वो कह रहे हैं कि हम चंदन की लकड़ी है उसको पीस रहे हैं, है ना जो मेहंदी होती है उसको पीस रहे हैं, और स्पाइसेस हैं यानी जो मसाले हैं उसको हम पीस रहे हैं। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स, चेसमैन एंड आयुर्वेदाइज। तो वो पेडलर से पूछ रहे हैं कि तुम क्या सेल कर रहे हो। व्हाट डू यू कॉल मीन्स व्हाट डू यू सेल, तुम क्या सेल कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि हम चेसमैन और आयुर्वेदाइज सेल कर रहे हैं, यानी हम जो शतरंज के मोहरे होते हैं और जो लूडोज वगैरह के जो पासे होते हैं, डाइस होती हैं, उनको सेल कर रहे हैं। सो थर्ड स्टैंजा है। व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्डस्मिथ। सो अब जो कस्टमर है वो गोल्डस्मिथ से यानी सुनार से वो पूछ रहा है कि तुम क्या बना रहे हो। ब्रिसलेट एंड एंकलेट्स एंड रिंग। तो वो कह रहा है कि मैं रिसलेट बना रहा हूँ यानी मैं ब्रेसलेट बना रहा हूँ, जो हाथ में कलाई में पहना जाता है ब्रेसलेट, उसे रिसलेट भी कहते हैं।
तो गोल्ड स्मिथ है जो सुनार है वो कह रहा है कि मैं रिसलेट बना रहा हूँ और एंकलेट बना रहा हूँ, यानी जो पायल होती है, पायल को एंकलेट कहते हैं, तो वो बना रहा हूँ एंड रिंग, और मैं रिंग बना रहा हूँ, अंगूठी बना रहा हूँ। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, और जो ब्लू पिजन्स हैं, जो नीले कलर के पिजन्स हैं, उनके लिए मैं बेल्स फॉर फिट, उनके पाँव के लिए छोटी छोटी बेल्स बना रहा हूँ। फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग, जो कि इतनी फ्रेल होगी, फ्रेल मीन्स होता है इतनी नाजुक होती, डेलिकेट या वीक, तो इतनी वीक होगी वो जितनी कि कोई ड्रैगन फ्लाई की विंग होती है, यानी उनके पंख होते हैं ड्रैगन फ्लाई के। ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, ग्रिडल्स में नीचे देखिए आप, इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ बेल्ट्स, तो वो कह रहे हैं मैं बेल्ट्स बना रहा हूँ सोने की, ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, तो डांसर्स के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि मैं डांसर्स के लिए सोने की बेल्ट बना रहा हूँ। स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, और जो राजा हैं उनके लिए मैं स्कैबर्ड्स बना रहा हूँ। स्कैबर्ड्स क्या होता है, जो स्वॉर्ड्स को, यानी जो तलवारों को कवर करने के लिए जो कवर होता है उसका, यानी उसको म्यान भी कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं राजाओं के लिए तलवार की म्यान बना रहा हूँ। ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, ग्रिडल्स होते हैं जो बेल्ट होती हैं, तो वो कह रहे हैं मैं डांसर्स के लिए सोने की बेल्ट बना रहा हूँ। और स्कैबर्ड्स यानी कि जो तलवार की म्यान होती है, तो मैं राजाओं के लिए सोने की तलवार की म्यान बना रहा हूँ। तो ये थर्ड स्टांजा कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें कस्टमर है वो सेलर से पूछ रहा है, जो कि एक सुनार है, गोल्ड स्मिथ है, कि तुम क्या बना रहे हो, तो वो कह रहा है कि मैं ब्रेसलेट बना रहा हूँ, और मैं पायल बना रहा हूँ, और मैं अंगूठियाँ बना रहा हूँ, मैं बेल्स बना रहा हूँ जो ब्लू रंग के पिजन्स होते हैं उनके लिए, और वो इतनी हल्की हैं बेल्स, जैसे कि कोई ड्रैगन फ्लाई की जो विंग होती है, पंख होते हैं उनके तरह, और मैं जो डांसर्स हैं उनके लिए मैं सोने की बेल्ट बना रहा हूँ, और जो राजा हैं उनकी मैं तलवार की म्यान बना रहा हूँ सोने की। सो फोर्थ स्टैंजा करते हैं हम, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन साइट्रॉन, तो वो कह रहे हैं फ्रूट मैन से, अब कस्टमर है वहाँ पे, कुछ लोग कुछ सेलर्स हैं वो फ्रूट भी सेल कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि व्हाट डू यू क्राई, यानी तुम क्या बेचने के लिए चिल्ला रहे हो वो फ्रूट मैन। तो फ्रूट मैन है वो रिप्लाई कर रहा है सेट्रॉन प्रोमैग्नेट एंड प्लम, तो वो कह रहा है कि मैं नींबू बेच रहा हूँ, और मैं पोमग्रेनेट बेच रहा हूँ यानी अनार बेच रहा हूँ, और प्लम जो आलू बखारा या बेर होता है मैं वो बेच रहा हूँ। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियन, अब कस्टमर है वो वहाँ पे, कुछ म्यूजिशियंस हैं सेलर, उनसे पूछ रहा है कि तुम क्या प्ले कर रहे हो, क्या बजा रहे हो। तो जो म्यूजिशियन है वो रिप्लाई कर रहे हैं कि हम सितार बजा रहे हैं, सितार सारंगी एंड ड्रम, तो हम सितार है वो बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं और ड्रम बजा रहे हैं। व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियन, अब वो मैजिशियन है वहाँ पे, जादूगर है, उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू चैंट, तुम क्या बोल रहे हो या क्या जो है मंत्र पढ़ रहे हो। स्पेल्स फॉर एओन्स टू कम, तो वो कह रहे हैं मैं कुछ एओन्स टू कम, यानी एओन्स टू कम मीन्स फ्यूचर, ये नीचे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है इसका, तो वो कह रहे हैं हम फ्यूचर बताने के लिए या फ्यूचर के लिए कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा स्पेल कर रहे हैं। सो फोर्थ स्टैंजा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इसमें जो कस्टमर है वो एक फ्रूट सेलर से कह रहा है कि व्हाट डू यू क्राई, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो, यानी तुम क्या बेच रहे हो। तो वो कह रहा है कि मैं नींबू बेच रहा हूँ, यानी नींबू या मौसम्मी वगैरह बेच रहा हूँ, और मैं पोमग्रेनेट बेच रहा हूँ यानी अनार बेच रहा हूँ, और प्लम बेच रहा हूँ आलू बुखारा या जो बेर होते हैं उनको बेच रहा हूँ। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, वो कह रहे हैं म्यूजिशियंस तुम क्या सेल तुम क्या बजा रहे हो। तो वो कह रहे हैं हम सितार सारंगी और ड्रम बजा रहे हैं, और वो मैजिशियन से पूछता है कि तुम क्या चैंट कर रहे हो या तुम क्या मंत्र वगैरह पढ़ रहे हो। तो वो कह रहा है कि हम फ्यूचर्स के लिए स्पेल कर रहे हैं, यानी हम फ्यूचर के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, जो आने वाला फ्यूचर है उसको बताने के लिए। सो लास्ट टाइम जब हम करते हैं इसका, व्हाट डू यू वी ओ ये फ्लावर्स, तो अब जो कस्टमर है वो फ्लावर गर्ल के पास आ गए हैं, जो फूल बेचने वाली लड़कियां हैं उनके पास, और वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या बुन रही हो, वीव करना, कुछ बुनाई करना, तो वो फूलों की कुछ माला वगैरह बना रही होंगी, तो वो उनसे पूछ रहा है कि तुम क्या बुनाई कर रही हो। अब वो रिप्लाई कर रही हैं विद टेसल्स ऑफ ऑजर एंड रेड, ऑजर्स मीन्स होता है ब्लू कलर का, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं कि हम टेसल्स बना रहे हैं ब्लू कलर का और रेड कलर का। टेसल्स होता है ए ग्रुप ऑफ शॉर्ट थ्रेड्स, यानी एक छोटे फूलों की कुछ माला वगैरह होती हैं, तो इस टाइप से जो दूल्हे के सहरों पर, तो वो कह रहे हैं हम टेसल्स ऑफ ऑजर एंड रेड, लाल और ब्लू कलर की टेसल्स बना रहे हैं, जो ये इस तरीके से टेसल्स होते हैं जो कि सहरे वगैरह पर लगाए जाते हैं, या किस तरीके से भी जो दूल्हे का सहरा होता है उस पर लगाए जाते हैं, और ये चैपलेट्स हैं जो
बेड के ऊपर गार्लैंड्स वगैरह लगाने के लिए। तो वो रिप्लाई कर रही हैं, विद टेसल्स ऑफ वजोर एंड रेड क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ब्राइड ग्रूम। तो वो कह रहे हैं हम जो दूल्हे का ब्राइड ग्रूम का जो क्राउन होता है यानी उसका जो मुकुट होता है जो उसके माथे पर होता है ब्रो होता है जो उसका फोरहेड होता है तो उसके लिए हम टेसल्स बना रहे हैं ब्लू और रेड कलर का लगाने के लिए। चैपलेट्स टू गार्लैंड इज बेड और उसका जो बेड होगा उसको हम सजावट करने के लिए चैपलेट्स बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फूल मालाओं का एक गुच्छा सा ये चैपलेट्स हैं वो बना रहे हैं। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्नेट टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। और वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो मर गए हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी जो स्लीप है उसको खुशबूदार बनाने के लिए उनको परफ्यूम करने के लिए हम वाइट कलर की फूलों की शीट बना रहे हैं। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्नियर नए नए जो गार्नियर किए हुए सो इस तरीके की फूलों की शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्नियर बना रहे हैं वो यानी फूलों की एक चादर सी बना रहे हैं वो। सो ये जो चैपलेट्स टू गार्लैंड इज बेड यानी जो उसके बेड के चारों ओर सजावट करने के लिए जो चैपलेट्स हैं जो फूल मालाएं हैं वो लगा रहे हैं। और जो टेसल्स ऑफ ओजोर उसका जो ओजोर रेड यानी ब्लू कलर का और रेड कलर का जो एक टेसल्स होता है जो उसका क्राउन होगा उसको कवर करने के लिए वो बना रहे हैं उसके सहरे के लिए। और जो डेड पीपल्स हैं उनके लिए उनकी जो डेथ बेड हैं उसके लिए हम फूलों की शीट बना रहे हैं। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्नियर। तो ये कंप्लीट हो गया है हम फाइनली इसको करते हैं। व्हाट डू यू वीव और ये फ्लावर्स। तो फाइनली जो कस्टमर है जो बायर है वो सेलर से पूछ रहा है जो कि लड़कियां हैं कि तुम फ्लावर्स तुम क्या सेल कर रही हो क्या बुन रही हो तुम वीव करना बुनना तो तुम क्या बुनाई कर रही हो। तो वो कह रही हैं कि हम दूल्हे के सहरे के लिए टेसल्स बना रहे हैं और उसके क्राउन्स के लिए उसका जो मुकुट होता है उसके लिए उसका जो ब्रो ऑफ ब्राइडग्रूम होता है उसके लिए हम टेसल्स बना रहे हैं। और चैपलेट्स टू गार्लैंड इज बेड और उसके बेड को कवर करने के लिए हम फूलों की लड़ियां बना रहे हैं। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्नियर टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड और हम डेड पीपल के हैं जो मर चुके लोग हैं उनकी जो डेथ बेड है उसके लिए वाइट ब्लॉसम की एक चादर बना रहे हैं। तो ये पोएम है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। साइट्रॉन प्रोमग्रेनेट एंड प्लम। तो इसमें नींबू जो 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 बेर हैं और जो अनार हैं उसको कहते हैं इस तरीके से। तो वर्ड मीनिंग्स में कुछ दिए हुए हैं जो गेडल्स होते हैं जो बेल्ट्स होती हैं स्कैबर्ड्स होते हैं जो मयान होती है यानी तलवार जिसके अंदर डाली जाती है तो तलवार की मयान को स्कैबर्ड्स कहता है। सितार है एक बजाने के लिए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है सितार। एओन्स टू कम यानी फ्यूचर बताने के लिए। अजोर मीन्स ब्लू कलर का और चैपलेट्स होते हैं जो ब्रेथ ऑफ फ्लावर्स जो कि फ्लावर की इस तरीके की फूल मालाएं इनको चैपलेट्स कहते हैं। सो दिस पोइम इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू एंड फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू in next video.